So today we will be discussing about concentration of pollution. Concentration of pollution, like we discussed yesterday about the dilute and the concentrated pollution. ठीक है, तो ये term उसी से ही थोड़ी सी related है. Concentration का मतलब क्या है? That what is the amount of solute, let me change the chalk. Amount of solute present in a given amount of solution. Right? See one thing here, I am not writing solvent, I am writing solution. कि मैंने अगर suppose 1 liter solution बनाना है, 1 liter solution बनाना है, तो मैं उसमें कितना solute add कर रही हूँ? That is the concentration of that solution. अगर मैंने sugar syrup बनाना है, तो मैं 1 glass of water में कितनी sugar add कर रही हूँ? That is the concentration of the solution. Getting the point? Okay. So concentration हमें ये बताती है कि amount of solute कितना है. अगर solution का amount ज़्यादा है, तो solution की concentration ज़्यादा होगी. अगर solute का amount कम है, तो जो आपका solution है, उसकी concentration भी ज़्यादा हो. ठीक है? जैसे मैंने आपको कल ही एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर हम 1 tablespoon शुगर डाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन काफी हद तक डाइल्यूट होगा, ओके? बट अगर मैं जो शुगर का कंटेंट है वो इंक्रीज करती जाऊंगी, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका वो लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा. तो एट दैट स्टेज वी विल बी सेइंग दैट इट इज हैविंग हाई अमाउंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज यूजली एक्सप्रेस एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि मैंने सॉल्यूट का कितना अमाउंट लिया है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पर ध्यान देना है आपने, सॉल्यूट नहीं लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है. हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताते हैं. वी विल बी मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर विद द 100 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंटेज. ठीक है? तो जब भी हमने किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 100. यहाँ पर आप अमाउंट की जगह मास भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, मैंने अमाउंट लिखा है. अमाउंट दैट अल्टीमेटली मींस कि हम मास की ही बात कर रहे हैं यहाँ. ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इन 100. एंड वैसे मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, बट स्टिल यू कैन सी सॉल्यूशन किससे बनता है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्या सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस को प्लस करके. ओके, सो अगर आपको अकेला सॉल्वेंट का मास दिया है, राइट, अगर आपको अकेला इन दोनों का मास दिया है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया, तो हमने इन दोनों के मासेस को क्या कर देना है, प्लस कर देना. ओके, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी मास ऑफ सॉल्यूशन. राइट डाउन 1 न्यूमेरिकल. वी आर हैविंग न्यूमेरिकल फॉर दिस कंसेप्ट. अ गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स, अ गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 40 gram of sugar in 320 gram of water. You have to find the concentration of the solution.
you have to find the concentration of the solution. Now see, if I find out what is the solute here, this is the 40 gram sugar is my solute. So concentration of solution is amount of solute over amount of solution, right? Amount of solution they are saying. But ये मेरा solute है और ये मेरा solvent है. तो मैं सॉल्यूशन का अमाउंट कैसे निकालूंगी? आई बी एडिंग बोथ 320 एंड 40, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी 360 ग्राम्स. सो हियर आई हैव टू राइट द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन एज 360. देन आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 100. एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगी. 4 9s are 36. So it is roughly 100 by 9. Please calculate it. Yes, Dhiren, what is the answer? Ma'am, 11.11 gram. Very good. Percent. कंसेंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज बताएं. ओके, सो दिस इज 11.1%. वेरी गुड, क्लियर. सिमिलरली राइट डाउन वन मोर न्यूमेरिकल. आई विल बी चेंजिंग द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं करूंगी. ठीक है, सो 55 ग्राम of salt in 550 gram of solution. Please find out the answer for the concentration of solution. Find out the concentration of the solution. So you can raise your hand if you have done. So yes, Diya. I'm 100 by 9% or 11.11%. No, we are talking about this one now. वो तो पिछला था ना? ये मैंने नया लिखी है. Same आया. This should not be same, beta. This is 55 by 550 gram. ये तो सिंपल कैलकुलेशन है. यस लवलीना, ओके पनिका इज बीइंग अनम्यूटेड. जी लवलीना बोलिए. मैम 875/600. एंड क्या कह रहे हो? 55/600. 55/600, ये कैसे हो गया? यस लवलीना. मैम 8.26% के अराउंड आ रहा है. गॉड, सो मच वेरिएशन. चलो फाइनली, चलो अर्शप्रीत से पूछते हैं पहले. अर्शप्रीत, यस मैम 9.09. 9.09, ओके. धीरेन बोलिए. मैम 10 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 105 से कटेगा. ये इतनी वेरिएशन, उन्होंने शायद सॉल्यूशन को वाटर ले लिया, वो उन्होंने ऐड कर दिया 5 को. दे हैव क्लियरली रिटन 550 ग्राम ऑफ, क्या लिखा है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन दे हैव ऑलरेडी 10 आना चाहिए. 10 मैम आ गया. मैम 10, यस मैम. दिस इज 55 ओवर 550 इनटू 100.
ये जो सिंपल कैलकुलेशन थी 55 से 55 कट गया, सीधा आंसर 10%। ओके यस मैम, वेरी गुड थे, यू आर सो एक्टिव। चलिए राइट डाउन वन न्यूमेरिकल फॉर योर होमवर्क, ठीक है, एक आपने घर से सॉल्व करके लाना है। A solution contains 50 ml of ethyl alcohol, 150 ml of water, you have to find out the concentration. You have to find out the concentration of the solution. That is for your homework. अब आपने खुद देखना है इसमें से आपने solute क्या लेना है, solvent क्या लेना है, because both are liquid. ठीक है? So coming to the next topic, ये सारा solutions में ही हम cover कर रहे हैं. So next topic is again important terms हैं, saturated, unsaturated and super saturated solution. Right? Mitansh? Mitansh, unmute yourself, beta. Yes. Okay, Mitansh, मैंने आपको एक glass of water दिया, मैंने आपको एक tablespoon sugar दी, मैंने आपको कहा कि इसको dissolve करो, क्या आप वो dissolve कर दोगे? वो sugar उसमें dissolve हो जाएगी? No ma'am, not completely. है? एक glass of water दिया है, पूरा एक water का glass दिया। उसमें मैंने कहा कि एक टेबलस्पून, इतना सा टेबलस्पून शुगर का उसमें डिसॉल्व, क्या वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी उसमें? हो जाएगी। अच्छा, उसी सेम सॉल्यूशन में मैंने आपको एक और टेबलस्पून कहा डिसॉल्व कर दो, हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? सेकंड टेबलस्पून भी हो जाएगा? यस मैम। मैंने आपको थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सपोज एट टेबलस्पून कह दिए कि उस एक ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दो, हो जाएंगे कि नहीं? हम हो जाएंगे। हो जाएंगे। ओके, अगर मैं ये नंबर एक्सीड कर दूं, मैंने 12, 13, 14, 15 टेबलस्पून कह दिए आपको ऐड कर, अब क्या होगा? हम ओवरस्टोर करेंगे। हैं? पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लास में से गिर जाएगा। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ वो डिसॉल्व होगी कि नहीं शुगर? हम डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, 14 15 वाले भी डिसॉल्व हो जाएंगी? यस मैम। और एक्सीड कर देते हैं, चलो 20-21 टेबलस्पून कह दिया, वो हो जाएगी? तुमने कभी शुगर सिरप बनाया नहीं है लगता घर में? आज मम्मा को कहना मैं शुगर सिरप बनाता हूँ, ठीक है? चलो, since my topic is concerned with this part that how we are going to prepare the saturated, unsaturated and super saturated solution. See, when I asked him that if I am going to add 1, 2, 3, 4 tablespoon of sugar in particular glass of water, that will be dissolving. ठीक है? एक tablespoon डाला वो dissolve कर जाएगा, दूसरा डाला हो जाएगा dissolve, तीसरा डाला मैंने वो भी dissolve हो जाएगा. At this stage, when my solute is being dissolved in the solvent, ये stage कौन सा solution show करती है?
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व करवा सकते हो. ओके, क्लियर. जब मेरा सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है तो अभी तक जो मेरा सॉल्यूशन है मैं उसको क्या नाम दूंगी, इट विल बी एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर वी कैन डिसॉल्व और एड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. एक टेबल स्पून डाला वो डिसॉल्व हो गया, दूसरा डाला वो भी डिसॉल्व हो गया, तीसरा डाला वो भी डिसॉल्व हो गया. दिस स्टेज ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द अनसैचुरेटेड स्टेज ऑफ सॉल्यूशन. ओके, दिस स्टेज ऑफ सॉल्यूशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द अनसैचुरेशन सॉल्यूशन. ठीक है, अब व्हाट विल हैपन. अब जैसे मैंने इसको कहा कि मैं 10 to 15 टेबलस्पून, अब एक पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर, छोटा सा पानी का ग्लास है, उसमें 15 to 20 टेबलस्पून शुगर ऐड करना चाहती हूँ, क्या वो शुगर डिसॉल्व होगी? Will that sugar dissolve? No. It will start settling down. ठीक है, it will start settling down. Now this stage it representing the saturated stage. ठीक है, ये स्टेज कौन सी स्टेज रिप्रेजेंट करती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेज रिप्रेजेंट करती है, जहां पर अब मैं चाहकर भी उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं करवा सकती. ओके, जिसमें मैं जो मर्जी कर लूं अब उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं होगा. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर amount of solute can be dissolved at given temperature. Here also you can write down at given temperature because we are doing these criteria at same temperature. Hum temperature change nahi karenge, right? और उसी सेम टेम्परेचर पे ही अपनी शुगर को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर तो शुगर डिसॉल्व होती जा रही है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, राइट, तो डैट रिप्रेजेंट द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर नहीं हो रही है डैट रिप्रेजेंट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम सॉल्वेंट का अमाउंट भी चेंज नहीं कर रहे हैं. सो हियर आल्सो यू कैन राइट डाउन इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. राइट, ना मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज किया ना मैंने टेम्परेचर चेंज किया, उसी सेम चीजों के ऊपर मैं अपना सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ. अब शुगर तो मेरी नीचे बैठ गई, डिसॉल्व नहीं हो रही है, क्या करूं मैं? थोड़ा सा हीट करके देख लें, थोड़ा सा हीट करके देख लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि जब मैं हीट करूंगी तो क्या वो सॉल्यूशन डिसॉल्व हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक, हो जाएगी? यस, इट विल डिसॉल्व, राइट. So that solution that I have prepared now after changing the temperature in which I have added more amount of solute by changing the temperature, that solution is super saturated solution. अब मैंने कौन सा solution बना दिया है? Super saturated solution, जो saturated से भी ऊपर है. Okay? So, जब सैचुरेशन लेवल अचीव हो जाता है, सैचुरेशन लेवल का मतलब क्या है कि जब ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जिसमें अब और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा, नहीं जा रहा है, नहीं डिसॉल्व हो रहा है, दैट स्टेज इज द सैचुरेशन लेवल. अब सैचुरेशन लेवल से हम किस में जाते हैं? सुपर सैचुरेटेड लेवल पे जाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जाते हैं.
जहां पर मैं क्या करूंगी, मैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हीट कर दूंगी, उसका टेम्परेचर चेंज कर दूंगी और वो जो सॉल्यूशन है राइट उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाए. दैट मींस वी स्टार्ट फ्रॉम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वी रीच एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड देन वी फर्दर मूव टू सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्लियर? हाँ जी, इज दिस थिंग क्लियर? सो यू कैन राइट डाउन द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज द सॉल्यूशन which contain more amount of solute. बेटा येलो चौक से विजिबल है कि नहीं? येलो चौक से विजिबल है? ओके, then the saturation level. उन सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशंस कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. सो नेक्स्ट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन. यहां तक हमारे ट्रू सॉल्यूशंस खत्म हो गए हैं. नाउ वी विल बी डूइंग द सस्पेंशन. तो जो मैंने कल आपको एक डिफरेंस फॉर्म वाला चार्ट करवाया था उसको खोल लो राइट right? उसी में ही अब आपने सस्पेंशन जो है वो ऐड करने हैं. ओके, ऐड द सस्पेंशन पॉइंट देयर. अब ट्रू सॉल्यूशन से बिल्कुल ऑपोजिट है सस्पेंशन. ट्रू सॉल्यूशन से बिल्कुल ऑपोजिट है सस्पेंशन. ट्रू सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व a suspension solution or a solute and the solvent in the suspension solution. So that means they clearly represent which type of mixture. Heterogeneous mixture. So jitne bhi aapke dimag mein heterogeneous mixtures hain wo sare kis category mein aayenge? Suspension. Chalk in water. Excuse me ma'am. Theek hai? Haan ji beta. जिनमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको क्लियरली विजिबल होते हैं दैट आर नोन एज सस्पेंशन. ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी नेचर की बात करें, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको नेचर लिखवाया था, तो इनकी नेचर कैसी है? हेटरोजीनियस. ओके, पार्टिकल का साइज. ट्रू सॉल्यूशन में तो हम देख नहीं सकते कि पार्टिकल्स कहां पर हैं, बट यस वी कैन ऑब्जर्व इन द सस्पेंशन सॉल्यूशन. मैंने आपको सैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन दिया है. सैंड नीचे सेटल डाउन कर जाएगी और क्लियर वाटर ऊपर आ जाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सैंड. दैट मींस द पार्टिकल साइज इज बिग इनफ राइट. देयर पार्टिकल साइज इज लार्ज. ओके, ये कितना होता है? इट इज ग्रेटर देन 10^-7 मीटर. नेक्स्ट इज अपीयरेंस. आपको कैसे अपीयर होते हैं? ओपेक. हम इनके थ्रू देख नहीं सकते हैं, वी कांट सी थ्रू देम. ठीक है, इनके थ्रू हम नहीं देख सकते. ओके, सो देयर अपीयर टू यू एज ओपेक. फिल्टरेबिलिटी, कैन वी फिल्टर देम with ordinary filtration method? Yes. So can be filtered. With ordinary filter paper. ठीक है जी. Coming to the next point, settling nature.
सेटल कर जाते हैं कि नहीं? यस, व्हाट अबाउट देयर सेटलिंग नेचर? सैंड सेटल कर जाएगी, चॉक सेटल कर जाएगा? सो रबी कर देती हूँ मैं यहाँ पे. सेटलिंग नेचर, सेटल डाउन. ओके, सो दे विल सेटल डाउन. सो अगर सेटल कर गए तो क्या स्टेबल है? सेटल कर गए, स्टेबल है. आर दे स्टेबल? नो, दे आर नॉट स्टेबल. Coming to the next point, visibility. Can we see them? Yes. Can we see them? Yes. They are visible to naked eye. Okay. Just add one more point. I'll be explaining. After this Tyndall effect. मैम ट्रू सॉल्यूशन में क्या मैम उसका है? हाँ जी बेटा. स्टेबिलिटी. मैम ट्रू सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी. मैम ट्रू सॉल्यूशन की. ट्रू सॉल्यूशन दे आर स्टेबल. ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट है वो रैंडमली मूव करते. तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू ब्राउनियन मोशन हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं. दे मूव रैंडमली, दे स्ट्राइक रैंडमली विद ईच अदर. ठीक है, तो हमेशा हमने ये याद रखना है कि जो चीजें सेटल डाउन कर दी, डैट मीन्स दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी. वो ग्रेविटी के कंट्रोल में है. ठीक है, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द स्टेबिलिटी. हैवियर होने के कारण ग्रेविटी ने इनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला और वो नीचे बैठ. बट देयर आर सम सब्सटेंसेस जैसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं करते हैं. दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन मूविंग इन अ रैंडम वे, इन अ रैंडम फैशन, लाइक ब्राउनियन मोशन. ठीक है, तो जो चीज रैंडमली मूव करती जा रही है वो स्टेबल है. ठीक है, बट जो चीज बैठ गई वो अनस्टेबल. राइट, सो दिस इज द स्टेबिलिटी कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द सेटलिंग. अगर वो सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया, डैट मीन्स वो अनस्टेबल. ओके,